नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईबीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस ऑटोमेशन, जो कि वीवीएम माइक्रो एमएस एक्सेस डेटाबेस एक्सेल टैबलो पावर बीआई के साथ हम कंप्लीट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपके बताने वाले हैं कि एसक्यूएल की जो क्यूरी होती है, जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, इस एसक्यूएल सर्वर की जो क्यूरी होती है उस क्यूरी को वीवीए के जरिए कैसे हम ट्रिगर करेंगे, ये आज की हमारी क्लास है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिए। तो YouTube पे हम बस प्रमोशनल वीडियो अपलोड करते हैं, हमारा कंप्लीट पैकेज नहीं है। अगर आप कंप्लीट कोर्स मेरे साथ करना चाहते हो तो हमारे पास जूम ऐप के जरिए या गोटू मीटिंग के जरिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वन टू वन मेरे साथ डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाए। और शुरुआती दौर में हम डेमो क्लासेस देते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए और डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें और एक दो क्लास डेमो लें। डेमो अच्छा लगा तो आप कोर्स में इनरोल कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर 2017 है, इसका इसका जो क्यूरी है या फिर जो हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके जो क्वेरी करते हैं वो चाहिए। हम जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिएट अ डेटाबेस। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि इस तरह से मैं डेटाबेस को क्रिएट करता हूं, तो यही सेम चीज हम करने जा रहे हैं कि हम डीवी के थ्रू एक बटन बना के या एक वीडियो रन करके, सॉरी मैक्रो रन करके, हम किस तरह से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो इसके लिए हम कोड करते हैं। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग डीवी हमारे इसमें आ जाते हैं एडिटर में, और कोड का मॉड्यूल्स ऐड कर लीजिएगा, यहाँ इंसर्ट मॉड्यूल्स है। और उससे पहले आपको टूल्स में जाके रेफरेंसेस में जाना होगा, और इस रेफरेंस में माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी जो कि नीचे आपको यहाँ से मिलेगा, इसको ऑन करना होगा। ये ऑन नहीं होता है, ये जरूर कर लीजिए वरना ये कोड वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट क्रिएट डेटाबेस, कुछ भी नाम दे दीजिए अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हम चलिए वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, डीवी कनेक्शन, CUN कर देता हूँ, कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन एज ए AD, एज ए न्यू करना, थोड़ी न्यू ADODB डॉट कनेक्शन। फिर यहां पे करना है डिम रिकॉर्ड से ADRS कर देते हैं एज ए न्यू AD OD डॉट रिकॉर्ड से, यहां दिख रहा है आपको। फिर डिम कमांड लाइन लिखना है इसमें, तो SLMCMD कर देता हूँ, सिलेक्टेड कमांड CMD, मैं शॉर्ट में नाम लिखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। न्यू यहाँ पे कमांड, ये तीन चीज हमने डिफाइन की है। अब बात आती है कनेक्शन क्रिएट करने की, तो हमने ADCON कनेक्शन डॉट ओपन, अच्छा AD AB, यहाँ पे नीचे भी दिक्कत होगा, अच्छा जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉट लगाते आ गया ना, इसलिए मैं स्पेलिंग मिस्टेक है, अपना मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक होता भी है तो डॉट में। अब यहाँ पे हम इसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग लाइन जो है वो लिखना है, तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोवाइडर होता है, लिखने का तरीका देखिएगा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। प्रोवाइडर इक्वल यहाँ पे SQL OLED, SQL OLED, और यहाँ पे कॉमा नहीं सेमी कॉलन लगाना है दूसरे के लिए। अब दूसरा इसमें क्या डेटा सोर्स देना है, तो डेटा सोर्स इक्वल, अब डेटा सोर्स में मतलब कि आपका जो एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन है, मुझे कनेक्शन है नहीं, ये कनेक्शन आपको देना है,
और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल आपको देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया इंटीग्रेटेड, ENTEGRATED, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, SCURICY, सिक्योरिटी। वो कर दीजिए आप यहाँ पे SSPI, और यहाँ पे सेमीकोलन डालना मत भूलिए। उसके बाद इसमें जैसे कि आपके पास अगर ये है आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड है तो डाल सकते हो, लेकिन मेरा जो सर्वर है वो विंडो ऑथेंटिकेशन है, इसको डालने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉमा हटा के छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं SLCMD, जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, डॉट एक्टिव कनेक्शन कौन सा है, तो हमने बोला ADCON, सिंपल। उसके बाद यहाँ मिलता है कि इसमें हमें फिर कमांड टेक्स्ट देना है, तो SLCMD डॉट कमांड टेक्स्ट, और यहाँ पे आप अपना सिक्योरिटी क्वेरी दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया क्रिएट डेटा बेस, इस तरीके से रखिएगा डेटा बेस नाम, यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहां पे लिखता हूं सेट ADRS रिकॉर्ड सेट को इक्वल टू CSLCMD डॉट, नहीं गलत हो गया, SLCMD डॉट ये हो जाएगा आपका एस्क्यूट, और एस्क्यूट में ब्रैकेट में क्या चाहिए, रिकॉर्ड सेट इफेक्टेड हमने छोड़ दिया, पैरामीटर्स इसको भी छोड़ दिया, ऑपरेशन ऐसे लॉन्ग में -1 आ रहा है ना, इसमें आप दे सकते हैं ADCMDTEXT, एक कोड होता है, फिक्स होता है, अब इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना होगा तो ये वर्क कर जाए। यहाँ से मैं रन कर दूं, या रन करने के लिए आप यहाँ जो माइक्रो रन माइक्रो होता है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलो तो मैं यहीं से कोड का एक कोड भी दिखता रहेगा, कोई एरर आएगा तो अच्छा जाएगा, और मैसेज बार मैसेज बॉक्स दिया रहा था वो मैसेज कंफर्मेशन देता, लेकिन एक बार चलिए हम कनेक्ट करके देखते हैं क्या डीपी डेटाबेस बन गया है या नहीं बना। तो डेटाबेस में गया, डीपी डेटा बन गया, तो जो हमारा ये क्रिएट डेटाबेस के क्यूरी जो एसक्यूएल क्यूरी में रन कर रहे थे उसको हमने डीबी के थ्रू चलाया। अब मैं इसको बटन के थ्रू करना चाहूं तो मैं इजीली क्या करूंगा कि यहाँ इंसर्ट बटन में आऊंगा, बटन को ड्रैग करूंगा और फिर यहाँ पे जो है क्रिएट डेटाबेस सिटी डीबी कर देता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, अब प्रॉब्लम है कि डेटाबेस से फिक्स है हमारा, मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस मेरे हिसाब से वर्ण हो, मैं चाहूँ तो मुझसे डेटाबेस का नाम पूछ के, यार बहुत सारे डेटाबेस बनाने हैं तो उसका क्या, उससे लूप के लिए लग जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कि डिम डीबी एंड डेटाबेस नेम एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे डीबी एंड इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे हम देते हैं एंटर डेटा बेस नेम, और ये जो आपका आता है क्रिएट डेटाबेस बी डेटा, तो इसको यहां पे मैं स्टॉप करता हूं, स्पेस ले लो स्पेस, और इसके जगह पे हम वो जो डीबीएन डेटाबेस नेम है उसको कॉन्कैटेनेट कर देता हूं,
अब देखिए, जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते ही मुझसे पूछेगा डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम में हमने दे दिया बटन बी डेटा, बी डेटा। और जैसे मैं इसको ओके करूंगा, आपका मान के अब यहां पे दिन दिख रहा है। मैं इसको 10 इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो मेरा डेटाबेस यहां इफेक्टेड हो जाएगा। तो बटन पे, तो ये तो हमने जस्ट आपको बताया कि किस तरीके से हम अपना ये डेटा, से डिलीट डेटा हो गया, वो क्रिएट टेबल हो गया, वो हर एक चीज का एंट्री हम इसी तरीके से यहाँ दिखाएं। तो अगली वीडियो सीरीज में हम इसको यूज जरूर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहे। और आप एसक्यूएल सर्वर की कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन उसके लिए कॉल कर सकते हैं।